अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लेसन नंबर 6, पेज नंबर 44। अब मिस हेवेशम की स्टोरी है कि एक्चुअली वो ऐसी क्यों थी। मिस हेवेशम्स मदर डाइड व्हेन शी वाज अ बेबी। उनकी मदर की डेथ हो गई थी जब वो एक छोटी बच्ची थी। हर फादर वाज अ वेरी रिच मैन। उनके जो वालिद थे वो बहुत ही अमीर आदमी थे। एंड ही ऑलवेज गेव हर एवरी थिंग शी वॉन्टेड। और वो उन्हें हमेशा हर वो चीज़ देते जो वो चाहती थी। दे वर वेरी प्राउड। वो दोनों ही बहुत मगरूर थे, बोथ द फादर एंड द डॉटर, बाप भी और बेटी भी। बट हर फादर हैड अनदर सन, नॉट बाय हिज वाइफ। लेकिन मिस हेवेशम के जो वालिद हैं उनका एक और बेटा भी था, लेकिन वो उनकी बीवी का नहीं था। दिस वाज केप्ट अ सीक्रेट। ये उन्होंने एक सीक्रेट रखा क्योंकि ये गलत बात थी, गलत हरकत थी। एंड मिस हेवेशम डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हर। और मिस हेवेशम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था अपने भाई के बारे में। देन द बॉयज़ मदर डाइड। और फिर उस लड़के की जो माँ है उसकी डेथ हो गई। एंड मिस हेवेशम वॉज टोल्ड अबाउट हर ब्रदर। और जब उनका जो भाई था उनकी माँ की डेथ हो गई तो मिस हेवेशम को बताया गया कि उनका एक भाई भी है जो कि उनके वालिद का बेटा है। ही केम टू लिव इन द हाउस। वो भी उनके घर में रहने आ गया। व्हेन द फादर डाइड, जब उनके वालिद मर गए, ही लेफ्ट हिज मनी टू बोथ हिज चिल्ड्रन। तो जो उनकी जायदाद थी, जो उनका पैसा था, उन्होंने दोनों बच्चों को दिया, सिर्फ एक के नाम नहीं किया। बट मिस हेवेशम शेयर वॉज वेरी मच मोर देन हर ब्रदर्स। लेकिन मिस हेवेशम का जो शेयर था, जो हिस्सा था, वो बहुत ज़्यादा था उनके भाई से। वेल हैर, हर ब्रदर वॉज वीक एंड फुलिश। उनका जो भाई है वो इंतहाई कमज़ोर और बेवकूफ़ सा था। ही वेस्टेड हिज मनी। उसने अपना सारा पैसा ज़ाया कर दिया। एंड व्हेन ही हैड नन लेफ्ट, और जब उसके पास कुछ भी ना बचा, ही बोरोड सम मोर, और उसने मज़ीद बोरोइंग की और ज़्यादा किसी से उधार ले लिया। देन मिस हेवेशम फेल इन लव विद अ मैन। फिर क्या हुआ कि मिस हेवेशम किसी बंदे की मोहब्बत का शिकार हो गई। ही प्रिटेंडेड टू लव हर टू। उस इंसान ने भी ऐसा प्रिटेंड किया, शो किया कि वो उनको बहुत प्यार करता है। बट ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन हर मनी। लेकिन वो जो इंसान था वो सिर्फ़ और सिर्फ मिस हेवेशम के पैसों में इंटरेस्टेड था, उनसे दिलचस्पी रखता था, मिस हेवेशम से नहीं। शी गेव हिम वट एवर ही आस्क्ड फॉर, एंड ही आस्क्ड फॉर अ लॉट। मिस हेवेशम ने हर वो चीज़ उसे दी जिसकी भी उसने ख्वाहिश की, लेकिन उसने बेशुमार ख्वाहिशात की। माई फादर मैथ्यू पॉकेट इज़ मिस हेवेशम्स कज़न। अब जो वो पेल यंग मैन था हर्बर्ट, वो बता रहा है कि जो मेरे अब्बू हैं मैथ्यू पॉकेट, वो मिस हेवेशम के कज़न हैं। यानी कि मैथ्यू पॉकेट मिस हेवेशम के कज़न हैं। एंड ही टोल्ड हर द ट्रूथ। और उन्होंने मिस हेवेशम को सच्चाई बताई, दैट दिस मैन डोंट रियली लव हर, के जो आदमी जिसको वो इतना पैसा दे जा रही हैं वो उनसे मोहब्बत नहीं करता। ही ओनली वॉन्टेड हर मनी, वो सिर्फ उनका पैसा चाहता है। बट लेकिन मिस हेवेशम वुडंट लिसन। मिस हेवेशम ने कोई बात ना सुनी। शी लव्ड द मैन टू मच। वो उस बंदे से बे इंतहा मोहब्बत करती थी। शी ऑर्डर्ड माई फादर टू लीव हर हाउस। उन्होंने मेरे वालिद को घर से निकल जाने का हुक्म दिया। सिंस दैट डे, उस दिन से, माई फादर, मेरे वालिद एंड मिस हेवेशम हैवंट सीन ईच अदर। मिस हेवेशम ने और मेरे वालिद ने एक दूसरे को नहीं देखा। समटाइम, बाज़ुकात,
लेटर बाद में द मैन एग्रीड टू मैरी मिस हैविशम। वो जो आदमी था जो लालची था, मिस हैविशम के पैसे से प्यार करता था, वो राज़ी हो गया कि वो मिस हैविशम से शादी करेगा। द वेडिंग डे वॉज फिक्स्ड, शादी का दिन जो है वो फिक्स हो गया था। द वेडिंग ड्रेस वॉज मेड, शादी का जोड़ा भी बन गया था। एंड द गेस्ट्स वर इन्वाइटेड, और मेहमान भी बुला लिए गए थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द वेडिंग, शादी की ही सुबह, द मैन सेंट मिस हैविशम अ लेटर, उस आदमी ने मिस हैविशम को एक ख़त लिखा। इट सेड दैट ही नो लॉन्गर वॉन्टेड टू मैरी हर, और उस ख़त में उसने कहा कि वो अब मिस हैविशम से शादी करना नहीं चाहता। ही वॉज नेवर सीन अगेन, और वो दोबारा कभी भी नज़र नहीं आया। बट वाई डिडंट ही मैरी हर एंड गेट ऑल हर मनी, आई आस्ट। पिप ने पूछा कि उसने शादी क्यों नहीं की जबकि वो शादी करके उनका सारा पैसा जो है वो ले सकता था। पिक्चर में मिस हैविशम लेटर पढ़ के शॉक हो रही हैं, उनके शादी के दिन पे जो उनको लेटर मिला था। ही वॉज ऑलरेडी मैरिड टू समवन एल्स। अब हर्बर्ट ने उसे बताया पिप को कि वो पहले से ही शादीशुदा था, किसी और से उसकी शादी हो चुकी थी। आई हर्ड दैट ही गॉट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल सून आफ्टरवर्ड्स। मैंने सुना है कि वो इस हरकत के बाद काफ़ी ट्रबल में रहा, मुश्किल में रहा, तकलीफ़ में रहा। तकलीफ़ से गुज़रने के बाद, बट आई डोंट नो वेयर ही इज़ नाउ। तकलीफ़ से गुज़रने के बाद अब मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ है। मतलब पहले उसने मिस हैविशम को प्रिटेंड किया कि ही लव्ड हर, आफ्टर दैट शादी फिक्स करके वो भाग गया थ्रू ख़त उनको इन्फॉर्म करके कि मैं अब शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पहले से शादी हुई हुई थी। और इस झूठ की वजह से उसे बाद में अपने घर भी बहुत मसले हुए, फिर वो गायब हो गया, उसके बाद किसी ने उसको नहीं देखा। इसीलिए मिस हैविशम जो हैं वो शादी के अपने कपड़े पहन के और उस कमरे को भी वैसे ही सजा के रखती हैं, और इसीलिए वो बंदों को नफ़रत करती हैं। शी हेटेड ऑल द मैन, और शी ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक एस्टेला हेट ऑल द मैन। वो ये भी चाहती थी कि एस्टेला भी जो है आदमियों से नफ़रत करे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का लेसन आज का इतना ही है। आप लोगों को प्रीवियस लेसन नंबर 5 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। काइंडली आप लोग उनको नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 6 के, पहले सिनोनिम्स, फिर सेंटेंसेस, आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू वेरी मच। रीड योर लेसन, कंप्लीट योर नोटबुक्स, प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स। योर एग्ज़ाम्स विल हेल्ड इन अक्टूबर। डेट विल बी अनाउंस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज, आपकी कोई भी क्यूरीज है रिलेटेड टू द एग्ज़ाम्स और ओपनिंग ऑफ स्कूल, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। आपका कोई लिंक और कोई भी पिक्चर अगर मिसप्लेस हो जाती है या डिलीट हो जाती है तो वो आप लोगों के लिए मिलना दोबारा मुश्किल है। इसलिए आप लोग अपने लिंक्स और पिक्चर्स जो हैं वो केयरफुली रोज़ का रोज़ कॉपी कर लिया करें, ताकि किसी भी किस्म की आपको मुश्किल ना हो। क्योंकि टीचर्स के फ़ोन के मेमोरी और बहुत सारे मेरे फ़ोन में मेमोरी और इस तरह के इश्यूज़ रहते हैं, इसीलिए हम लोग कन्वर्सेशंस जो है नहीं रख सकते। आप लोगों को इसका थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। उसके अलावा पेपर्स होने वाले हैं, उसकी भी तैयारी करें, नोटबुक्स भी कंप्लीट करें। स्कूल खुलने वाले हैं, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, स्कूल खुलने से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर सिलेबस में कुछ समझ नहीं आ रहा, वो चीज़ें आप क्लास टीचर से पूछ सकते हैं या सब्जेक्ट टीचर से। उसके अलावा आपकी रीडिंग का भी पोर्शन होगा पेपर में, तो आपने रीडिंग भी अपनी अच्छी रखनी है। आपके चैप्टर्स हो रहे हैं, आप लोग आराम से
चैप्टर खोल सकते हो और इजीली जो है उस चैप्टर का ट्रांसलेशन भी और रीडिंग भी पढ़ सकते हो, क्योंकि रीडिंग के साथ साथ आपको ट्रांसलेशन करवाई गई है, तो ट्रांसलेशन भी जो है आपके पार्ट का हिस्सा होगी पेपर के, उस पर भी तवज्जो दें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।